उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भले ही अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सियासी ताना बाना अभी से बुना जाने लगा है। वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी करने जा रही है। मुस्लिम समाज के बीच बीजेपी अपनी जगह बनाने की कवायद कर रही है, लेकिन उसकी नज़र पसमानदा मुसलमानों पर है। यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है, बल्कि वह खुले दिल से इस समुदाय को गले लगाने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अभी 17 नगर निगमों में पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन कराने जा रही है। बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज को पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति को लेकर बैठक करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की नगर निगमों में बड़े स्तर पर पसमानदा सम्मेलन कराने की योजना कर रही है, जिसमें सरकार के मंत्री शिरकत करेंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर और अल्पसंख्यक मोर्चे ने ये मेगा प्लान बनाया है। पसमानदा सम्मेलन की शुरुआत मेरठ या मुरादाबाद से हो सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर वासित अली को सम्मेलन कराने के लिए निर्देश दिए हैं। पसमानदा मुसलमानों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कराएगी, जिसमें योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद होगा। बीते दिनों में भी बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन कराया था। इसके बाद विपक्ष ने कहा था कि 2024 में मुसलमानों का वोट लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी ये बात समझती है कि बिना मुसलमानों को साथ लिए यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। बीजेपी इन दिनों सूबे में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है। यह सम्मेलन उन इलाकों में ज्यादातर किए जा रहे हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है।